टुडे वी डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल। जैसा कि मैंने कहा था कि जो अनसॉल्व न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से, तो आज हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। इसमें हमने दो पार्ट किए इसके, एक पार्ट में मिरर के न्यूमेरिकल्स और दूसरे पार्ट में लेंस के न्यूमेरिकल्स करेंगे। चलते हैं देखते क्वेश्चन मैं लिखा पर रही हूं क्योंकि ज्यादा टाइम लग जाएगा और ना ही लिखूंगा, तो मैं गिवन लिख करके इसको सॉल्व कर देता हूं। आपके पास बुक्स हैं या फिर मैं देखूंगा अगर स्क्रीनशॉट हो सके तो मैं उसमें डाल दूंगा न्यूमेरिकल के ऊपर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में है, वी विश टू ऑब्टेन एन एग्जैक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में हम लोग जानते हैं कि जनरली इन्वर्टेड इमेज बनता है और रियल बनता है, एक्सेप्ट वन केस। और वन केस ऐसा है जो कि फोकस और पोल के बीच अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रखें तो ये इमेज कैसा बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा इरेक्ट बनाएगा। इसी में बेस्ट क्वेश्चन है कि हम लोग चाहते हैं कि एक इमेज बने जो इरेक्ट हो विद द हेल्प ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है। और इसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, मिरर से रेंज क्या होगा ऑब्जेक्ट, तो हम लिखेंगे रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ये हो जाएगा u इज लेस देन 15 सेंटीमीटर, है ना। 15 सेंटीमीटर के अंदर जहां भी हम रखें ऑब्जेक्ट को, इसका इमेज जो होगा वो पीछे की तरफ होगा, यानी इरेक्ट होगा, वर्चुअल होगा एंड मैग्निफाइड होगा। ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। इसके लिए हम लोग रे डायग्राम, पता है आपको कि व्हेन अ पैरेलल रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द मिरर देन इट विल पास थ्रू द फोकस, फोकस से पास करते हैं, दूसरी लाइट को हम लोग ले लेंगे सी से, और ये लाइट एक्चुअल में ये लाइट यहां से जाने के बाद फिर रिटर्न होती है और सी से होती हुई जाती है। अब ये डाइवर्ज कर रही है लाइट, तो हम इधर से देखेंगे तो हमें लगेगा कि ये पीछे की तरफ कहीं ना कहीं ये लाइट मिलेगी और यहां पर इमेज बनेगा, दिस इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ऑल्सो साइज ऑफ इट इज मैग्निफाइड, साइज ऑफ इट इज मैग्निफाइड, ठीक है। ये तो हमने देखा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर एट में पूछा है नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज इन द फॉलोइंग सिचुएशन। फर्स्ट है हेडलाइट्स ऑफ अ कार के हेडलाइट में कौन सा मिरर होता है, तो कॉनकेव आंसर हो जाएगा कॉनकेव। अब ये दिखता है सपोर्ट योर आंसर विद द रीजन, कॉनकेव क्यों होनी चाहिए, इसका क्या फायदा है। तो कार के हेडलाइट में मान लिया ये हेडलाइट है, ये मिरर है कॉनकेव मिरर, और इसके फोकस पर यहां पर ये फोकस पर बल्ब हो जाएंगे, कार के हेडलाइट
में जो कॉन्केव रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है उसके फोकस पर बल्ब होता है, और हम लोग जानते हैं कि अगर बल्ब से ये लाइट निकलती है यानी फोकस से कोई लाइट इंसिडेंट करती है मिरर पर, तो किधर जाएगी भाई? पैरेलल जाती है, पैरेलल जाती है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन रे ऑफ लाइट गोस पैरेलल, है ना, जिससे कि रोड अच्छी तरह से दिखाई दे। सो वी मे राइट हियर द बल्ब इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन रे ऑफ लाइट गोस पैरेलल ड्यू टू विच वी कैन सी द रोड क्लियर। ठीक है, सेकंड है इसका बी पार्ट, साइड और रियर व्यू मिरर ऑफ अ व्हीकल ऑफ अ व्हीकल, किसी भी गाड़ी में साइड मिरर, बाइक में भी, और पीछे देखने वाला मिरर जो ड्राइवर होता है उसके साइड में होता है उससे पीछे दिखाई देता है। ये दोनों मिरर का कैरेक्टर क्या होता है, कौन सा मिरर होता है? तो आंसर लिखेंगे कॉन्वेक्स। कौन सा मिरर होता है? कॉन्वेक्स। क्यों भाई? इसका रीजन क्या है? फर्स्ट तो ये कि इट फॉर्म्स इरेक्ट इमेज। ठीक है, ये इरेक्ट इमेज बनाती है जिससे कि हम पीछे के चीजों को अच्छे तरीके से देख सके। दूसरी इट फॉर्म्स वेरी स्मॉल इमेज, स्मॉल इमेज बनता है इसका, यानी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं तो छोटी दिखती है, जिससे कि वाइड रेंज एंड वाइड व्यू हम कर सकते। ठीक है ना, छोटी इमेज बनने के कारण हम बहुत सारे इमेजेस को, बहुत सारे एरिया को उस छोटे से मिरर में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो सेकेंड था। थर्ड है सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस में क्या होता है? एक बड़ी सी कॉन्केव मिरर, और इसके फोकस पर, इसका फोकस यहां पर है, फोकस पर फर्नेस को लगा दिया जाता है। फर्नेस भट्टी कह सकते हैं हम, जिसमें कि मैटर को मेल्ट कराते हैं, कहीं करते हीटिंग इफेक्ट का यूज कर सकते हैं हम, इस एनर्जी को यूज कर सकते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट सनलाइट इज इंसिडेंट ऑन द मिरर देन इट कंसंट्रेट और फॉल ऑन द सोलर फर्नेस एंड ट्रिमेंडस एनर्जी इज लिबरेटेड और कलेक्टेड, वी कैन से कलेक्टेड बाय ड्यू टू विच इट कैन मेल्ट इवन स्टील आयरन। इतनी अधिक गर्मी हो जाती है यहां, बहुत लार्ज साइज के लिए कॉन्केव मिरर लिए जाते हैं और इसके फोकस पर ये फर्नेस को रख देते हैं, तो सारे के सारे लाइट को ये कंसंट्रेट करती है और यहां पर फिटिंग कर देती है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा। उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर
12th न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में जैसा कि हमने पहले भी कहा था, आप क्या करो, सबसे पहले गिवन लिखो। गिवन लिखेंगे आप लोग विद द साइन कन्वेंशन, उसमें साइन कन्वेंशन जरूर होनी चाहिए। तो देखते हैं 12 क्वेश्चन में, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। यानी एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, 10 सेंटीमीटर रख दिया भाई, और आपको बताया था कि यू हम क्या लेंगे, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव। यू क्या लेंगे हम लोग, नेगेटिव लेंगे ऑलवेज, ठीक है। और फोकल लेंथ है एफ है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। अब हम लोग जब भी एफ लिखें तो वहां एक बार हम लोग जरूर देख लें कि वेदर द मिरर इज कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो यहां पर कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए एफ क्या होता है, पॉजिटिव हो गया। हमें निकालना है फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। पोजीशन में वी निकालना है और नेचर के लिए आप एम भी निकाल सकते हो। चलिए फ्रॉम मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f होता है, और हमें वी निकालना है, सो 1/v = 1/f - 1/u। 1/f 15 माइनस 1/-10 और ये हो गया 1/15 + 1/10। एलसीएम 30 ले लेंगे 2 + 3 और हो जाएगा 5/13 और 1/6। तो 1/v = 1/6, v = 6 cm। कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है ये वाला मिरर। हम लोग जानते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में ऑलवेज वर्चुअल होता है इमेज, और यहां भी आपको पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव का मतलब हो गया कि इमेज जो बनेगा वो बिहाइंड द मिरर बनेगा। सो हम लोग लिखेंगे पोजीशन में, पोजीशन Image is formed behind the mirror at a distance of 6 cm। और नेचर हो जाएगा, नेचर हो गया आपको वर्चुअल, और वर्चुअल होगा तो क्या होगा, इरेक्ट भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 12। अब हम देखते हैं 13, समझ में आ गया, ठीक। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं मिरर का भी, मिरर के ब्रैकेट 30। क्वेश्चन नंबर 30, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ मिरर इज एम जो है वो +1। व्हाट डज इट मीन, याद करो जैसा कि हमने मैग्निफिकेशन कराया था तो उसमें कई केसेस देखे थे हमने। तो पहली बात तो ये प्लस है तो क्या होगा, वर्चुअल होगा, और वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा, और उसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, इसका मतलब सेम साइज होगा। तो लिखेंगे इट मींस द इमेज फॉर्म इज वर्चुअल एंड इरेक्ट वर्चुअल इरेक्ट एंड ऑफ सेम साइज। और मिरर का लास्ट क्वेश्चन है
14। इसके बाद हम लोग 14th क्वेश्चन देखते हैं। 14th क्वेश्चन, 14 में गिवन अगर आप देखें, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर की लेंथ, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में एच ओ ये दिया है आपको 5 सेंटीमीटर। इस प्लेस का डिस्टेंस ऑफ यानी यू है -20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। तो एफ हम लोग जानते हैं आर बाय टू हो जाएगा और ये हो गया 30/2 15 सेंटीमीटर। एफ क्या हो गया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज एंड इट्स नेचर यानी बी निकालना है हमें, और उसके बाद हम V से भी निकाल सकते हैं नेचर को या फिर M निकाल। और साइड ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है तो एच आई भी निकालना पड़ेगा हमें, ये भी निकालेंगे। तो आप देखो फ्रॉम द अबव फॉर्मूला सिंस 1/V + 1/U = 1/F और 1/V / 1/F - 1/U 1/15 - 1/20 ये हो जाएगा 1/15 + 1/20 और इनका एलसीएम आ जाएगा आपको 60 64 + 3 और ये हो गया 7/60। तो जी जीएस तो आ जाएगा 60/7 सेंटीमीटर। और इसको हम लोग ले सकते हैं 8.6 सेंटीमीटर। ये वी आर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि एफ इजिकल्स टू जानते हैं, एफ इजिकल्स टू क्या होता है -V/U और एच आई अपॉन एच ओ। हम इस वाले वैल्यू को लेंगे और हम लिख सकते हैं -V ये रख दें -60/7 इंटू यू -20 इजिकल्स टू एच आई निकालना है और एच ओ कितना है 5 है, 0 से 0 कट गया, 2 से 3 और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और एच आई जो है वो आ जाएगा आपको 7HI = 15 सेंटीमीटर और एच आई इजिकल्स हो जाएगा 15/7 और ये हो जाएगा 2.1 एच आई हो गया 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब नेचर की बात अगर हम करें तो आप देखो एच आई क्या हो गया प्लस, एच आई प्लस अगर है इसका मतलब ये तो बनेगा यहां से, और ये देखो बी प्लस है तो ये क्या हो गया वर्चुअल हो गया, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया। पोजीशन जो है वो 8.6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर बनेगा क्योंकि प्लस है, तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे पोजीशन, पोजीशन बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ कितना 8.6 सेंटीमीटर। नेचर हो गया नेचर वर्चुअल एंड रियल, और साइज अगर आप लिखना चाहते हो तो यू गेट 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग लेंस के मेथड करेंगे। टिल देन थैंक यू।